हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। और सुनाइए, कैसे हैं आप सब? क्या चल रहा है, क्या हो रहा है आजकल, क्या मसरूफियात हैं सबकी? मैं यहाँ पाकिस्तान में खूब इंजॉय कर रही हूँ, यकीनन आप लोग भी मौसम को खूब इंजॉय कर रहे होंगे, दुबई वाले दुबई में, क्योंकि दुबई में भी बहुत अच्छा मौसम है, और पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में खूब इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है, और उम्मीद है बाकी मुल्कों के भी लोग अपने अपने मुल्कों में अच्छा ही टाइम गुजार रहे होंगे, लेकिन जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, जो बाहर के मुल्कों में हैं, वो यकीनन पाकिस्तान को इस टाइम बहुत मिस करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे पाकिस्तान में बहुत अच्छा फील होता है। फैमिलीज मिलके बैठती हैं, एक अपना ही बचपन याद आ जाता है, जब हम रज़ाइयों में मिलके बैठते हैं, बातें करते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, सारी चीज़ें हमें बहुत मिस करते हैं, मिस बहुत करते हैं हम सब। जब मैं बाहर थी तब मैंने इस चीज़ को बहुत मिस किया, हमेशा ही मैं मिस करती थी अपने बचपन का, अपना बेड, अपने अपने ब्लैंकेट, रज़ाई, जो भी हम यूज़ करते थे, अपने माँ बाप की बातें, अपने बहन भाइयों के साथ गुजरा हुआ वक्त, सब याद आता है। खैर, अभी इस टाइम मैं पाकिस्तान आई हूँ और यहाँ शॉपिंग कर रही हूँ, खाड़ी में आई हूँ, खाड़ी शॉप में, और यहाँ मैं इनके कपड़े देख रही हूँ, कुछ मैंने बाय भी किए हैं, कुछ आप सबको दिखाने के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा इनके पास स्टफ़ आया हुआ है, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत कलर्स हैं, बड़े खिले खिले और अच्छे कलर्स हैं, सब मैंने बाय तो नहीं कर सकती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कुछ गर्म कपड़ा भी था, लीलन बहुत कम थी, अक्सर मैं ज़्यादातर लीलन यूज़ करती हूँ, यहाँ गर्म कपड़ा बहुत ज़्यादा आया हुआ है सर्दी की वजह से, तो मेरा फिर गर्म कपड़ा आगे जाके दुबई में यूज़ नहीं होता, इसलिए मैंने ज़्यादा कपड़े बाय नहीं किए, मैंने रेडीमेड ही लिए कपड़े, और सिलवाने का क्योंकि टाइम नहीं था। आजकल शादियां इतनी हैं पाकिस्तान में कि कोई दर्जी कपड़े ले ही नहीं रहा, तो इसलिए सिलाई के लिए मैंने कपड़े अभी बाय नहीं किए, और बाकी कुछ मेरे घर की ग्रोसरी वगैरह की, कुछ बच्चों के लिए मैं ये नगेट्स और इस तरह की चीज़ें बाय करके लेके आई, क्योंकि दुबई से आके पाकिस्तान में मैंने फौरी आके शॉपिंग वगैरह नहीं की, लेकिन मेरा ये इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा इस चीज़ के लिए। ये जो मैं लेके आई चिकन के बने हुए थे, ये पता नहीं क्या इसको कहते हैं, ऐसे लेग पीस की टाइप किया है, और इतना अच्छा नहीं बना हुआ था, इसके ऊपर जो मसाला लगा हुआ था वो जल्दी पक गया, और जो चिकन है उसके अंदर बिल्कुल भी ऐसे कच्चा कच्चा सा फील हो रहा था, और बहुत गीला गीला था। खैर, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है इसके साथ, मेन्यू के था ये प्रोडक्ट। बाकी मैं आइसक्रीम वगैरह या इस तरह की चीज़ें बहुत सारी खरीद के लाई हूँ बच्चों के लिए, और भी बहुत सी चीज़ें, बाकी मैं बना रही हूँ, कबाब बनाऊँगी इसके बाद, कबाबों के लिए चिकन वगैरह मैं लेके आई, और वो बनाने के लिए मैंने रख दिए, एक दो दिन तक मैं बना के इंशाल्लाह रेडी कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी है, और बहुत से काम, दिन बहुत छोटा होता है और बहुत से काम रुक जाते हैं, एक दिन में बहुत सारे काम नहीं हो पाते। और ये मैं ऑरेंजेस लेके आई हूँ, बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, बहुत मुझे पसंद है, मुझे ये भी अच्छे लगते हैं, और जो किनू होते हैं खट्टे वाले वो भी अच्छे लगते हैं, ये फ्रूटर हैं, और ये किनू जो होते हैं वो बहुत अच्छे मुझे लगते हैं, नमक मिर्च लगा के धूप में बैठ के खाने का उनका अपना ही मज़ा है, और ये अमरूद हैं पाकिस्तान का फ्रूट, दुनिया के किसी भी मुल्क पे इंसान चला जाए, कहीं भी हो, उसे पाकिस्तान का फ्रूट किसी चीज़ के साथ मैच नहीं कर सकता, पाकिस्तान का फ्रूट की अपनी ही वो एक उसकी खासियत है। पता नहीं, शायद हम बाहर रहते हैं और इसलिए हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं क्या बात है, मैंने बाहर के मुल्कों में भी देखा है, हर जगह लोगों को जितना मर्ज़ी अच्छे से अच्छा फ्रूट ले आओ, लेकिन जो पाकिस्तान के फ्रूट में टेस्ट है वो किसी दुनिया के किसी मुल्क में वैसा टेस्ट नहीं है। और बाकी ड्राई फ्रूट्स कुछ मैं बाहर से लेके आई थी दुबई से, और कुछ मैंने यहाँ के बाय किए जो यहाँ से मिलते थे, ये मैं रेवड़ी लेके आई हूँ, और ये मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मैंने कहा चलो ये भी ले आती हूँ, और वैसे भी कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो चलो बंदा सर्व करता है, और आजकल शादियों का बहुत सीज़न है मेरे, मैं भी मुझे एक वीक भी नहीं हुआ आए हुए, और ये कार्ड पे कार्ड आना शुरू हो गए, इनविटेशन एवरी डे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई शादी होती है, किसी की शादी, किसी की मेहंदी, किसी का वलीमा,
और एवरीडे कुछ ना कुछ होता है। मैं तो खैर जा नहीं पाती क्योंकि अभी हमारी फैमिली में भी एक शादी है जिसकी वजह से मैं चीज़ें वगैरह कंप्लीट कर रही हूँ अचानक आके। अभी तो खैर कोई दर्जी कपड़े नहीं ले रहा, सिलाई का मसला पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा टेंशन है क्योंकि कपड़े सिल नहीं पा रहे और बहुत परेशानी हो रही है मुझे। और मैं आज धूप में बैठ के आप सबके लिए, मैं कहा आज सबके साथ धूप में बैठ के चाय जो है इंजॉय करती हूँ, और आप सबको भी, आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। मैं चारपाई पे बैठी हूँ और धूप, मैं और मेरा बेटा धूप में बैठे हैं। और आप सब सुनाइए, आप सबकी क्या रूटीन है, क्या क्या किया आप सब ने, प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। सब अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।